चैंग कहता है कि तुम मुझे बुरा भी बता रहे हो और हेल्प भी करना चाहते हो। गांग कहता है कि मैं तुम्हें पावर और पैसे दूंगा, तुम अपने जैसे लोग इकट्ठे करो क्योंकि तुम लोग उसे बुला सकते हो जो मुझे चाहिए। कांग डील करके उसे डिटेल्स में डिस्कस करने के लिए कहता है। गांग कहता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे टीवी पर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है, जो तुम्हें चाहिए यू उनको बता देना। गांग के जाने पर कैंग कहता है कि तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्या तुम अपने आप को गॉड समझते हो। गांग हंसकर कहता है कि जैसी दुनिया तुम्हें चाहिए उसमें गॉड हेल्प नहीं करेगा, डायमंड समझकर मुझ पर ट्रस्ट कर लो। उसके बाद उसे घर पर दिखाते हैं। बैंग कहता है कि तुम मेरा एक्सपेंसिव सोफा खराब कर रहे हो। गांग कहता है कि तुमने टीवी का मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया, मुझे पसंद आया। बैंग कहता है कि मैंने तुम्हारी वजह से बहुत पैसे खर्च किए हैं और तुमने अपने क्लब के बाथरूम में 10 मिलियन की पेंटिंग्स लगाई हुई है। गांग कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, सूर्यम डोंग की साइड ड्रिंक्स भी तुम ले लेना। बैंग कहता है कि क्या तुमने मरने का डिसाइड कर लिया है। गांग बताता है कि इस बार मुझे ब्लैक ड्रैगन से फाइट करनी है। ड्रैगन बुरी स्प्रिट नहीं है, पर दुनिया की सारी बुरी स्प्रिट्स इकट्ठी होकर उसे ब्लैक ड्रैगन बना देंगी। गांग बताता है कि आसानियो कैंग के लिए ब्लैक ड्रैगन बुला रही है, मुझे ड्रैगन इस दुनिया में एंटर होने से पहले मारना है। वैंग कहता है कि ब्लैक ड्रैगन बहुत स्ट्रांग होता है, तुम उससे फाइट नहीं कर पाओगे। गांग कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम ड्रैगन से फाइट में हारे हो। वैंग कहता है कि मैं हारा नहीं, बस हम अपनी पावर्स मैच कर रहे थे, उसकी रेड आईज मैं अभी तक नहीं भूला हूँ, तुम मर जाओगे। गांग कहता है कि पावर्स बढ़ाने के लिए मुझे मेडिसिन दे देना। वैंग कहता है कि सैमजंग को खाकर अपनी पावर्स बढ़ा लो, वैसे भी उसे मरना ही है, इस ब्रेसलेट की वजह से तुम उसे नहीं मार सकते, अपना हाथ काट दो। गांग कहता है कि यहाँ से अच्छे से काट दो, मुझे देखना है मेरी फीलिंग्स जाएंगी या नहीं। वैंग कहता है कि मैं तो काट दूंगा, बीच में ड्रामे मत करना। गांग के हाँ बोलने पर वैंग ट्राई करता है पर कट नहीं करता और कहता है कि ड्रैगन से फाइट करके ही मर जाओ। गांग कहता है कि थोड़े दिन मैं कहीं और रहूंगा, बोर मत होना। वैंग कहता है कि मैंने मंथली टीवी सब्सक्रिप्शन बेकार में लिया और चला जाता है। तभी सियोमी गांग को बुलाती है। गांग उसके पास आ जाता है और कहता है कि बहुत दिनों बाद बुलाया है, क्या मुझे आज ड्राइवर बनना है। सियोमी उसे एक स्टोन देकर कहती है किसी स्टार्स की तरह आसमान में पहुंचा दो। गांग भेज देता है। सियोमी कहती है कि मुझे भी मैजिक आता है और उसे स्पून मूव करके दिखाती है। गांग कहता है कि अच्छा था, पर अभी हाथ यूज कर लो। सियोमी उसके साथ फ्यूचर की प्लानिंग करती रहती है। गांग सुनकर सैड हो जाता है। सियोमी कहती है कि तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, पर गैंगो के गायब होने के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, और रोने लगती है। उसके बाद सियोमी को अपने घर पर दिखाते हैं और गांग को दूसरी जगह, वो भी सैड होता है। कैंग और आसानियो ड्रैगन को बुलाने की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। आसानियो कहती है कि तुम्हारी वजह से बहुत लोग मरे हैं। कैंग कहता है कि जो होना है वो तो होता ही है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गांग ने उसे बताया था कि यहाँ से ब्लैक ड्रैगन आएगा, पर आसानियो ने कहा था कि मैंने लास्ट टाइम गोल्डन ड्रैगन बुलाया था, मेरा ड्रैगन इविल स्प्रिट नहीं है। गांग कहता है कि पहले तुम बुरी नहीं थी, पर अब तुम इविल स्प्रिट हो, तुमने कैंग को नहीं उसने तुम्हें ढूंढा है। आसानियो उसे देखकर कहती है किसने सारा को मारा है, गांग सही था। नेक्स्ट डे ऑफिस आने पर गांग ने सियोनमी के लिए अपने ऑफिस स्टाफ के थ्रू ब्रेकफास्ट भिजवा दिया था। सियोनमी के मना करने पर हेंजू उसे खाने के लिए कहता है। सियोनमी गांग को मिस करके रोने लगती है। वैंग टीवी देखकर कहता है कि आज मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है, पर थोड़ी ही देर बाद गांग के बिना बोर हो जाता है। उसके बाद वह अपना स्टैचू क्लीन करता है और गांग का स्टैचू देखकर कहता है कि क्या उसके जाने पर ये भी गायब हो जाएगा, और उसे गंदा करने वाला होता है पर नहीं करता, और क्लीन करते हुए कहता है कि इसके बिना मेरा स्टैचू भी अकेला हो जाएगा। योंग के आने पर उसे लगा था कि गांग आया है। योंग भी कहती है कि इस स्टैचू के बिना घर खाली लगेगा। वैंग कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, स्टैचू को यहीं रखने के लिए मंकी की हेल्प करते हैं। उसके बाद दोनों शॉप में आकर गैंग को मांगते हैं। होंग ने उन्हें सर पे लगाने वाला गैंगो दिया है, इसे यूज करके ये पता लगाएंगे कि गांग का गैंगो कैसे उतारा जा सकता है। वैंग गैंगो योंग से खुद को पहनाने के लिए कहता है, योंग पहना देती है। वैंग कहता है कि अब मुझे ऑर्डर दो। योंग कहती है कि मैं तुम्हें कैसे ऑर्डर दे सकती हूँ। वैंग कहता है कि मेरा ऑर्डर है, मुझे ऑर्डर दो। योंग उसे राइट हैंड उठाने के लिए कहती है, पर वैंग उसकी बात ना मानकर लेफ्ट हैंड उठाता है और उसे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बैंक फिर से ट्राई करने के लिए कहता है। योंग उसे चलने के लिए कहती है, पर बैंक कहता है कि मैं रन करूंगा।
उसे फिर से पेन हो जाता है और योंग से गैंग उतरवा देता है। इस बार वैंग योंग को पहनाता है और उसे ऑर्डर देता है, पर उसे वैंग के सारे ऑर्डर्स मानने की आदत है तो गैंगो उस पर काम नहीं करता और खुद ही निकल कर गिर जाता है। वैंग उसे डिफेक्टिव गैंगो समझता है। आसानियो गोंग से कहती है कि ड्रैगन बुलाने के लिए मुझे सैमजंग की जरूरत है। गोंग कहता है कि जितना तुम कर सकती हो उतना करो, इस बारे में सैमजंग को कुछ नहीं बताना है, इसीलिए तुम्हें अब तक जिंदा छोड़ा हुआ है, और उसे बुरी स्प्रिट बताकर चला जाता है। आसानियो कहती है कि मैं बुरी स्प्रिट नहीं हूँ। हेंजू सियोनमी को बताता है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन का दूसरा कैंडिडेट मर गया है, अब गैंग ही जीतेगा। सियोनमी उससे मिलने आती है, वह बिजी होता है। आसानियो उसके पास आती है। सियोनमी पूछती है कि तुम इसका साथ क्यों दे रही हो। वह कहती है कि मैंने इसे चूज किया है। सियोनमी कहती है कि मैं तुमसे नहीं रिची से पूछ रही हूँ। उसकी बॉडी पर ब्लड हाईलाइट होता है और सियोनमी के हाथ पकड़ने पर उसे पता चल जाता है कि गैंग ने ही सारा को मारा है। आसानियो कहती है कि तुम्हारी पावर्स बढ़ती जा रही हैं। सियोनमी कहती है कि तुम रिची की बॉडी में जाकर उसके किलर की हेल्प कैसे कर सकती हो, तुम सच में बुरी स्प्रिट हो। वे कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ। तभी गैंग वहाँ आ जाता है। सियोनमी कहती है कि मैं चेक करने आई थी कि तुम किस टाइप के लोग हो, और आसानियो से कहती है कि उस वैली का पता मैं लगा लूंगी और चली जाती है। गैंग कहता है कि ये तो मुझे तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। आसानियो कहती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। शॉप वाली ग्रैंडमा सियोनमी से मिलने आती है। सियोनमी उसे पहचान लेती है कि उसी ने जार के थ्रू उसे फ्यूचर दिखाया था, और पूछती है कि मुझे क्या करना है। वे कहती है कि तुम्हें अपनी सबसे स्पेशल चीज को खुद से दूर करना होगा। वैंग गोंग को गैंगो का पुराना मॉडल दिखाता है। गोंग कहता है कि अच्छा हुआ इसे पहनकर मुझे इधर उधर नहीं घूमना पड़ रहा है, मेरे लिए लाने के लिए थैंक यू। वैंग कहता है कि डिफेक्टिव है, खुद से ही उतर गया। गोंग बताता है कि मैंने इसे उतारने के लिए सोप यूज किया, गर्म पानी में हाथ डाला, पत्थर को भी हिट किया, पर ये नहीं उतरा, पर अब मैं इसे उतारना नहीं चाहता। वैंग कहता है कि अगर गैंगो गायब होने के बाद तुमने सैमजंग को देखकर कहा कि ये तो मेरे स्टाइल की नहीं है, ऐसे तो ठीक नहीं होगा ना, और उसके लिए तुम मरने जा रहे हो। गोंग पूछता है कि क्या तुम चाहते हो मैं जिंदा रहूं? क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? वैंग कहता है कि बकवास मत करो, और उसे योंग से मंगाई हुई मेडिसिन देकर चला जाता है और होंग से अपने पैसे वापस मांगता है। होंग कहता है कि मैंने पैसे खर्च कर दिए, हमारे स्टोर में खराब चीजें नहीं होती। वैंग कहता है कि तुम ट्राई कर लो, ये फेक है, वरना पैसे वापस दो। होंग पहन लेता है। वैंग पूछता है कि गोंग का गैंगो कैसे उतारा जा सकता है। होंग कहता है कि मुझे नहीं पता। वैंग पैसे मांगता है। होंग कहता है कि मैंने खर्च कर दिए। तभी उसे पेन हो जाता है। वह बता देता है कि पैसे जार में रखे हैं। वैंग उसका गैंगो उतार देता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है। होंग कहता है कि अंकल तुम्हारा अम्ब्रेला रह गया। वैंग कहता है कि आज तक किसी ने मुझे अंकल नहीं बुलाया। होंग कहता है कि क्या मैं तुम्हें अंकल नहीं बुला सकता? वैंग कहता है कि बुला सकते हो, और अम्ब्रेला लेकर चला जाता है। होंग उसे देखता रहता है। ड्रैगन बुलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, स्टोन, बैल और तलवार। गोंग कहता है कि अगर लोगों को गैंग की सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा। गैंग उस वैली पर एक इवेंट करेगा जिसके लास्ट में आसानियो को ड्रैगन बुलाना है। उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि पास्ट में जो उसकी फैमिली ने बुरे काम किए हैं वो न्यूज लीक हो गई है। रिपोर्टर्स उसे क्वेश्चन करते रहते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता। लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट गैंग नहीं होना चाहिए। गैंग कहता है कि न्यूज जल्दी ही खत्म कर दो, गोंग ने ही न्यूज रिलीज कराई है। कुछ बुरे पावरफुल लोग गैंग के सपोर्ट में आकर न्यूज खत्म करा देते हैं और उसे फेक भी डिक्लेयर कर देते हैं। गैंग ने पार्टी अरेंज की है जिसका इनविटेशन वैंग के पास भी है, पर वह जाने से मना करके जेड ड्रैगन पर गैंग को ट्राई करने वाला होता है। पर तभी सियोनमी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि क्या गोंग ही सबको दिखाना चाह रहा है कि गैंग कितना बुरा है। वैंग कहता है कि मुझे नहीं पता। सियोनमी बता देती है कि रिची को गैंग ने ही मारा है। सब शॉक हो जाते हैं सियोनमी के क्वेश्चंस पूछने पर। वैंग कहता है कि इस पार्टी में गोंग और गैंग दोनों हैं, इन्हीं से जाकर पूछ लो, और योंग को उसके साथ भेज देता है। जेड ड्रैगन कहता है कि पीके को रिची के बारे में बताना पड़ेगा। वैंग मना करके कहता है कि वो गोंग के प्लान को खराब कर देगा। हॉस्पिटल आने पर आसानियो को पता चलता है कि सारा की माँ मर चुकी है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पीके आकर पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। वह कहती है कि मैं नहीं, रिची रो रही है। पीके उसे हक कर लेता है। पार्टी में गोंग गैंग को देखता रहता है और घर जाने वाला होता है, पर उसे फील हो जाता है कि सैमजंग पार्टी में आ गई है।
सियोनमुकेंग से बातें करती रहती है। गोंग योंग को कॉल करके बुलाता है और पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लेकर आई हो। योंग बताती है कि हम इससे सीक्रेट नहीं रख पाए। कैंग सियोनमी से बातें करता है पर गोंग आकर उसे वहाँ से भेज देता है। सियोनमी गोंग को भी बताती है कि सारा को कैंग नहीं मारा है। गोंग कहता है कि इन सब की शुरुआत यहीं से हुई है। पी के आसानियों के साथ रेस्टोरेंट में होती है और कहती है कि मेरी जगह एक किंग के इक्वल है, तुम जैसे लोग मेरे साथ बैठकर खाना खाना डिजर्व नहीं करते। तभी रेस्टोरेंट का ओनर पी के को यहाँ आने के लिए थैंक यू बोलकर जाता है। आसानियो कहती है कि पास्ट में मेरे साथ भी सब ऐसे ही बिहेव करते थे। पी के कहता है कि मेरे जैसे लोगों के साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी, वह हाँ कर देती है। गोंग सियोनमी को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन बहुत स्ट्रांग है, वैंग भी उससे फाइट नहीं कर पाया था। सियोनमी को टेंशन होती है, वह कहता है कि मैं वैंग से ज्यादा स्ट्रांग हूँ। सियोनमी कहती है कि वैंग ने खुद को तुमसे स्ट्रांग बताया था। गोंग चिल्लाकर कहता है कि मैं स्ट्रांग हूँ और सबके देखने पर कहता है कि अपना काम करो। सियोनमी कहती है कि अब तुम फेमस हो गए हो। गोंग कहता है कि टीवी देखना और तुम्हारे आगे पीछे घूमना ही अच्छा था। एक आदमी आकर सियोनमी से टकरा कर उसे सॉरी बोलता है। गोंग उसे ठीक से देख कर चलने के लिए कहता है। सियोनमी कहती है कि तुम बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। गोंग कहता है कि ये बस 80 साल का है, तुम्हें पता है मैं कितने साल का हूँ, रहने दो, तुम्हारे साथ अपनी एज कम्पेयर नहीं करना चाहता। सियोनमी कहती है कि इंसानों की तरह रहना है तो मैनर्स यूज करने पड़ेंगे। गोंग प्यार से सियोनमी के लिए वाइन मंगाता है। एक लेडी आकर गोंग से अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराती है। वाइन आने पर वह लेडी अपनी लड़की को दे देती है। गोंग सियोनमी से कहता है कि क्या भी मैनर्स यूज करूं? सियोनमी कहती है कि पहले की तरह बिहेव करो। गोंग उसे ड्रिंक लेकर कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं है। दोनों के जाने के बाद गोंग ड्रिंक उसे दे देता है। उसके बाद दोनों को बातें करते हुए दिखाते हैं। सियोनमी उसे शॉप वाली ग्रैंडमा वाली बातें बता देती है और कहती है कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार स्पेशल है जो मुझे खत्म करना होगा, तभी मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर सकती हूँ। गोंग कहता है कि क्या यही बताने यहाँ आई हो, अपना दिल अच्छे से खाली कर देना, कुछ नहीं बचना चाहिए। और उसके जाने पर कहता है कि जो भी करना है मेरे सामने मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और चला जाता है। सियोनमी बाहर आकर बैठ जाती है और स्टार्स देखती रहती है। गोंग शॉप में आकर पूछता है कि तुम उससे मिलने क्यों गई थी और ये सब बातें क्यों की। वे कहती है कि उसे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। गोंग कहता है कि प्लीज उसे जिंदा रहने दो, उसकी जगह मैं मरने के लिए रेडी हूँ। तुम नहीं गैंग को मुझे पहनाया था, तुम कौन हो? वे कहती है कि ऐसा लग रहा है कि गैंगो की पावर खत्म हो चुकी है। वैंग गैंग को निकालने का तरीका ढूंढता रहता है। योंग कहती है कि मैं पहले से ही तुम्हारी बातें मानती हूँ, इसीलिए ये मुझ पर काम नहीं कर रहा है। वैंग समझ जाता है कि गोंग अपना गैंगो खुद उतार सकता है। ग्रैंडमा उसे बताती है कि तुम्हारे प्यार ने गैंग वाले प्यार को हरा दिया है। सियोनमी स्टार्स देखती रहती है। गोंग उसे पीछे से देखता रहता है और गैंगो उतारने पर वह इजीली उतर जाता है। उसे उतारने के बाद गोंग सियोनमी को देखकर कहता है कि अब तो मुझे ये और भी ज्यादा प्रिटी लग रही है। तभी सियोनमी के पास वही स्टोन आता है जो उसने गोंग से बोलकर स्टार्स के पास भेजा था। सियोनमी इधर उधर देखती है पर गोंग वहाँ नहीं होता है। घर आने पर बैंग बताता है कि मुझे गैंगो उतारने का रास्ता मिल गया। पर गैंगो गोंग के हाथ में ही देखकर कहता है कि अब कैसा फील हो रहा है। गोंग कहता है कि मेरी फीलिंग्स गायब नहीं होंगी और गैंगो वापस पहन लेता है। बैंग पूछता है कि ऐसा क्यों किया। सैमजंग तुम्हारी रियल फीलिंग्स जानना चाहती थी। गोंग कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद मैं उसे खुद बता दूंगा। बैंग उसे एडिट बताकर कहता है कि तुमने तलवार सूर्यमडोंग में छुपाकर उस जगह को सील कर दिया है ना। गोंग कहता है कि मैं ड्रैगन को हरा दूंगा। पानी में ब्लैक ड्रैगन दिखाया जाता है। पीके आसानियों की तारीफ करता है तो जेड ड्रैगन बता देता है कि वो बुरी है, उसी ने रिची को मारा है। पीके को गुस्सा आ जाता है। सियोनमी गोंग के पास आकर पूछती है कि तुमने इसे क्यों फेंका। तुम सारे काम अपनी मर्जी से करते हो, तुम बुरे हो, मैं भी अपना प्यार तुम्हारे सामने ही खत्म करूंगी। गोंग हाँ कर देता है। सियोनमी कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।